गर्मी पड़ा है, गर्मी बिना पंखा खावा ले रहा है ना होत बात है। जाए मिस्त्री लिया का ही लाइट बनवाई ले। हाँ आओ मिस्त्री आवा, देखे ही मार घर आए और हमारे बरामदा है, हमारे बरामदा लाइट बिगड़ गई बा और जब बिगड़ी है ना तब हमारे घर को खाए ना पड़ते लाइट ने। हमारे पंखा चला रहा है, आगे बगल में चार आदमी वहाँ बैठे हवा ले मस्त लाग रही। अच्छा अच्छा ठीक है, काका बना देते हैं लपते। हाँ हाँ बनाए जल्दी से बनाए। ठीक है अरे इनका का हो गया, लागत है करंट मारा था है का। अरे अब हम का करें। ये सुन तो हुआ। हाँ, का भाव? हम सोचे थे ना हम तू मिल के एक दर्जन लड़के पैदा करी। अच्छा लेकिन तीन फुट बातें एक ही पेट में मारते, ये भी तो कोई एक दर्जन चाहिए। और का सोचे थे एक दर्जन पूरा पूर कह दी। ठीक है। हाँ हम कल ये चला, हमारे नहीं हरे कुछ काम है, संझल लौट आए हुए। अच्छा काम है? हाँ आवा चला चला। मम्मी कहाँ जाता हूँ? अरे बेटवा जाते तोरे मामा किया भाई लौट के आए थे संझले। नहीं नहीं चला। अरे ना है बेटवा इतना घाम है, कहाँ घाम में जावा ही रहा। नहीं चला। हने ले पकड़ पैसे रहा जो तो हम जाए। ठीक है ले जा तो मानी टीटी खाई। नहीं हम पैसे वैसे ना ले बाबा, वो चलो मामा के लिए। कहो कहो चल बेरे। मम्मी पापा कहाँ जाता है? जाते तोरे मामा की। वहाँ चलो मामा की। कहाँ ते चल बेरे? ते ही रहो। हमारे मामा चला। कहाँ ते ही रहो ना? वहाँ चला। हे सुना, हे ये भगवती गाड़ा कादनी कौन है सपना में खोवा बाटे। लड़के के अंदर ये एक कमी होता, सुंदर लड़की देखते ना है सुहार रात के सपना देखा लगा था। रुका इनका एक झपड़ खींच मारे इनका सारा सपना टूट ही जाए। कब हो तू हमको काहे मारू है? माफ कर दिया, गलती हो गई। माफी मांगे इस गलती माफ किया था? हाँ। अच्छा जब ऐसा बात है माफी मांगे इस गलती माफ हो जाए तो चलते ही हम जोर से काक और चुम्मा ले ले ओकरे बाद माफी मांग ले भाई। अरे एक तो फंसा रही थी, एक हम बोला रहे लाइट बनाए बुजू ये सरवा हिया यार हमारे बुटी चुम्मी लेता है रह गया ससुर तो का हम बतावट है। हे हे रुक 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 उठ सर उठ पाई उठ उठ जाए करे ये का पता है। अरे मरी बाप रे
आवाज आ गए आवाज ससुन नहीं के यह लाइट बना जा रहे हैं तो हमारे बुजुर्ग साथ तुम भी चुम्बक काटे हैं ससुन नहीं के फेरू कार सारी भैंसे काल जिसे मुंह कैसे बना ली नहीं हमका लागत है कि अपने मुटकी लठिए कहीं मारे तभी तोर मुंह लाल पियर हो गया है हे काका हे बकरा कबू खाए पी गैडा ना आई भा और जे हमरे ऊपर हाथ उठाई दे ना वो अबे कतौ पैदा ना आई भा छोड़े ए किसंबर है या इंडिया के तू समझाई ला ना जौना दिन हमार दिमाग खराब होए ना ई लठिए लाई मार ससुर पिछोवा फाड़ जाए हट छोड़ तेरे का बकपेलू का बात है कहां कितना झरियाता हो सुना विशंभर बाबू ई शर्मा जब भी हमारे घर वाले रास्ता जाता हमारे बड़की सड़ुआनी की लाइन मारा था अरे नहीं काका जब सारे तेरी मैं ये सही मारू और सुना विशंभर बाबू ई शर्मा ऐसन टकाई काका था ऐसन टकाई काका था बिलाई कंडा जैसे आंख निकाल के का हो बकपेलू तहा सड़ुंगे बुढ़ाना जवान है वो ज्यादा ना विशंभर बाबू हमारे सड़ुआनी की उम्र बस 75 साल है काओ 75 साल के ई सार 75 साल बुढ़िया के लइया हो था हां बिशंभा तोरी बहन के हर ढंग से होरावा का हो गलवा हम तो जानी कुछ हो रे बिशंभर बाबू एक ढंग समझा दे अगर ये आज के बाद दिखाइए ना हाथ गोर तोड़ के अंदर डाल दे चल दे घर जय राम हां भक्पेल भैया जा तू हम देख लेते हैं इनका का रे सारे तोर जवानी ना इधर करता बुढ़िया पटाव देता है अरे नहीं काका हम इनके सड़ुवेनिक ना लेनी होत रहे झूठे कहते हैं अच्छा अच्छा हम अहू मानत है ओ बूढ़ पुरानी है झूठ बोलिए ना अरे नहीं काका हम लनिया होत ना रे झूठ कहते हैं झूठ बोलिए अरे झूठ बोलिए अरे झूठ बोलिए झूठ बोलिए झूठ बोलिए अरे हमारे अरे मलावा आवत बाटे अगर ऐसे हमका देख लेना तब तो हमार बेइज्जती हो जाए ऐसे करी थोड़ा हीरो न्याय बन जाए अरे मोरी माई रे घबराने जरूरत ना बाटे बचा बाटे अच्छा अब हम कल जा सके घरे हां ले जा सकत हूं ठीक है बुलावा चंदू भरे आ जा करबिया बाबा 200 भी बाबा अच्छा ला चला ठीक है चला हे सुना वो देखा हमार घर आ गया अब तू अपने घर अकेले जा ले बा अगर आज तू हमका अपने घर रोक ले तू हमार मौजे ही रहता है ना सुनता जा ले बस नहीं अकेले हां हां चला जा भाई ठीक है जा नहीं है ना बाबू देखिए ना कहीं किकरे साथ घूमत है ठीक है जाते ही हां जा आराम से जाया ठीक है का हो कहां फुलौर देवा ना सच की जात है छोड़ अब ही अगर एक हम बताए दे कहां जाते हैं तब तू जाए तो गौर से बता दे और लफड़ा हो जाए नहीं बताओ ना कहाँ जाते हैं अरे यार भैया आज हमारे दोस्त के मेहरारू बच्चा हुए ना वही जाते हैं कहो तो होगा कैसे पता चला आज ही बच्चे हुए अरे यार भैया डॉक्टर बताए हैं अच्छा हाँ चला ठीक है हो जा नहीं देर हो ठीक है अरे हैरान जादी हिये के स्टार रहता है रहिया बुलाई तब हे सुना अरे ये तो चंदू है लेकिन हमका काहे बुलावत है कोनो परेशानी ना होगी वा जाई देखी तो वाह चंदू आज तो बड़ा हैंडसम लगा था लेकिन हमका काहे बुलाया है तू हम काव हम बोला ना अरे कैसे बोल दे हमार तो जियर धुकुर धुकुर करता है काव सोचा कहा बोलबा बोल दे हाँ बोला लेकिन कैसे बोल दे हमरे बहुत लाज लागत है लाज लागत है तब वो बोला ठीक है आई लव यू हम तो उसी बहुत प्यार करी था बड़ा यहाँ प्यार करे वाले हम तो कुछ प्यार नहीं करेगा ठीक है ये देखा
हमरे दिल तो लाज जिन मारा ना, हम तो उसे बहुत प्यार करी था, तू हमसे प्यार कर लेना। बट हम प्यार और ना करे, भाग इस पहले जा। ठीक है जा तही, जब हम पेट में रहे हमार बाप मर गया, महतारी हमका पैदा करते मान मर गई, और हमरे काका हमका पाल पोस के बड़ा करें, आज उन्होंने हमार साथ छोड़ देहन। हम सोचे तो उसे शादी कर ले भाई, तुम हमारे सहारा रहू, लेकिन तू हमका ठुकरा दे। ठीक है अब हम जाते ही ना, तू जहाँ भी रहू जगरे साथे रहू हरदम खुश रहू। हम सोचे तो उसे शादी कर ले भाई, तू हमारे सहारा रहू, लेकिन तू हमको ठुकरा दे। हे सुना, आई लव यू टू। हे हम बहुत थक गए, चला कतो बैठी जाए। अच्छा आ चला वहीं बैठी। हाँ चला। अरे यार ये तो जगमोहन बिटिया है, और ये लड़कियों के साथ ही नैन मटक्का करता है। रही जा भाई जाता ही जगमोहन काका की पूरा बात बताई थे। हे काका, हे काका, तार बिटिया क्लाउडो साथ नैन मटक्का करता है। का बात तो सही है। हाँ काका, हाँ सही कहता है। अगर तो का विश्वास ना होता आवा चला दिखाई, उही कुन दिन का मुक्त रहा उधन बैठे हैं, आवा चला जल्दी से ना उधन भाग जाएंगे। रुक लाठी लाइन भी सारे बतावट है। हाँ चला जल्दी से। चल चल चल। आवा 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 काका, आवा आवा, देख ला सारे देख ला। कड़े सारे टोका भाई वाटी मारे रहे, और समझ में आई आई का जोन तक फिर हमारे बिटिया साथ उल्टा सीधा काम करते हैं। आ ए काका, हे कहता एक सारे जान से मार दे। हाँ हाँ जान से मारी का, लेकिन ये कहीं जिन मारा लिया चलो बड़की बगिया मारा, अगर ये मरवा ना अब वही तो देख ले दिक्कत हो जाए। हाँ हाँ काका तो सही कहता, जिन मारा हम इनसे बहुत प्यार करी। चल चल पहले लिए चल चल सारे चल चल सारे बहनियत हमार भरे ला हो गया भा। जाए अपने बाबू को बता दे पाप लिया भल ले। अरे चंदुओं का सब कहा लग जाते हैं, हमें लागत है मारे इतना लग जाते हैं। जाए मुखिया जी को बता दे। मुखिया काका, मुखिया काका, का बात तू नीलाल के सामने परेशान आ तू। जगमोहन काका चंदुओं के बगियों को लग जाते हैं मारे खातिर। का तू सही कहता की ना है? हाँ सही कहते, आओ चल दिखाई। हाँ जल्दी चल चला। कहो जगमोहन लड़कियों कहाँ लग जाता है? अरे कटाऊ ना मुखिया जी, हमका सब पता है तू कहाँ लग जाता और कहाँ करे जाता है। अब एक काम कर रहे छोड़ा पहले। अरे मुखिया जी कैसे छोड़ दे ये ढंग के, ई ससुरवा हमरे बिटिया साथे बहुत गलत काम की है। अरे जब गलत ही काम किया है एक काम कर रहे दोनों मिली शादी करा दिया। अरे मुखिया जी तू वही बात क्या, गरीब इंसान है शादी करे खातिर पैसे लागत है और हमारे पास पैसे वैसा ना है। अरे जगमोहन जब पैसे वाली बात है ना एक काम कर ले, काम मंजूर इन्हें दोनों मिलेगी, हम सारा खर्चा खर्च शादी करवा दे भाई। चला ठीक है मुखिया जी, जब ऐसी बात है ना हम अपने बिटिया ज्यादा तैयार कर लिया है, भाई तू जा इनका तैयार कर लिया है। ठीक है हे चलाओ चल चल घर तय। काम लखा था डालेंगे का टाइम माला। ठीक है अब तू डाल दा। हाँ सिंदूर लगा जा। ठीक है तार सबके शादी किया संपन्न हो गया, अब जा घर आराम से हफी हुई हाथ जदनू दे रहे। ठीक है हाँ खुश रहा खुश रहा। जिया नहीं करा जिया नहीं करा, जा बिटिया जा खुशी खुशी रहू, अगर कौनो बात की दिक्कत हो ना हमें तुरंत बताओ, हम आओ यही गाँव में रहा। ठीक है बाबू। हाँ अब चला चला जा आराम से रखाएंगा। जयराम जी जयराम जी। हे रुका कब पहले दूध तो पीला। अच्छा ला
ए चंदा हो जा भाई की मुमार कपड़ा भर के लेके चली आवा, जाते ही हम लोग दिया ना कंपनी में खोर भर्ती निकली है, अगर हमारा नौकरी लग गया ना तुम के लिए चल कर। ये तो काव कहा था अबे बियाह है तीन दिन भावा, अबे हमरे देह खर दियो ना छोटा है, और तू कहा था जाते ही कमाए हमका छोड़ कैसे जाबा का। अरे पगली ते टेंशन जिल ले, दुई एक महीना काम करबे ना तब तुहु के लिए चल चल भाई। ठीक है जाते ही ले आए थे लेकिन ले आए चला ना। ठीक बा जा ले क्या बा। ला इमे खाना और कपड़ा रख दे, रास्ता में खाना खा ले है ना। ठीक है। सुनो चिट्ठी उठी भेजे जाए ना कहे से कि हमार तोरे बिना बिल्कुल मन न लागे। ठीक है अपन ध्यान रखू ना। हाँ ठीक है जा रही जा। नींद ना लागत है उनकर बहुत याद आवत है, पता नहीं कहाँ पहुँचा है उनके जाए के बाद घरा हमका काटे दौड़ता है, हम कैसे रहा उनके बिना। भैया ये आप रूम है चला रहा है इतना दूर फाइ थको गए जल्दी लेता है। ठीक है भैया जा। ठीक तो पहुंच गया बाटी, भैया काफी रखा है जल्दी चिट्ठी लिखी और अपनी मेहरारू को लगे भेज दे ना ही तो छटपटात होए पहचिन की न्याय कलम उलम ना है बात है। हमार चंदा हम भले ही ये सब कुछ ठीक है, ये कंपनी में काम करे खातिर बहुत लोग आए हैं, जैसे हमार नौकरी लग जाए हम तोहका तुरंत लिया ले भाई, तू टेंशन जिन लहू अपन ध्यान रखू अभी का जल्दी भेज दे हम। अच्छा चिट्ठी आई है। हाँ चिट्ठी आई बताई। ला साइन में कह दे। हाँ ठीक है। ठीक है जा। हमार चंदा हम भले ही हिया सब कुछ ठीक है, हमरे साथे साथे बहुत लोग आए हैं हिया कंपनी में काम करे खातिर, जैसे नौकरी लाग जाए काम करे लगब तब तोहका आओ ले आए चलब, टेंशन जिन लू आपन ध्यान रखो। वो तो चिट्ठी भेज के फुर्सत पाई गए लेकिन हिया का हमार हाल होता है हम जानत है, चलते ही हम वो चिट्ठी लेके भेजब। हमार राजा जब से तू चला गया ना हमका तोहार बहुत याद आवा था, तू हम कई भरी जवानी में छोड़ के चला गया हम कैसे रही तू ही बतावा, जब जब पानी बरसा था तब तक हमका तोहार बहुत याद आवा था, हम तोहरे बिना ना रह पाऊबे तू जल्दी चला आवा, कमाओ माजिन बस हमरे लगे रहा तोहार चंदा। अब एक ले जाते ही पोस्ट ऑफिस में डाल दे भाई जल्दी पहुंच जाए। चंदू चंदू
ए चंदू का बात है? हाँ भैया कावा लतार चिट्ठी आई है। अच्छा चिट्ठी आई बे। हाँ जल्दी साइन करा हम जाई। रुक जा भैया 5 मिनट बैठे। ठीक है। ए हमार राजा जब से तू चला गया बाटा हमका तोहार बहुत याद आवा था। तू हमका भरी जवानी छोड़ के चला गया बाटा हम कैसे रही तुम्हें बतावा। जब जब पानी बरसा था तब तब हमका तोहार बहुत याद आवा था। हम तोहरे बिना ना रह पाओ। oh, no. तू जल्दी से चला आवा काम उम जिन करा हमरे लगे रहा बस तोहार चंदा। अच्छा भैया रज कपिए कलम ये देबा ला। अरे हमार चंदा जब तोसी बर्दाश्त ना होता है थमावत ही तू घबरा जिन। वैसे भी हमार हिया कोनो काम लागत ना है हम जल्दी ही आवत ही। मंगर के 12 बजे वाली बसे से हम अपने चौराहा उतर जाब हमारे इंतजार करू। ला भैया ये चिट्ठी पहुँचा देना। पहुँचा दिया लेकिन यहाँ ये सानी का ही दे। हाँ हाँ ठीक है। लाइन रख दे जा दे। ठीक है भैया। जानता है अंकित? बोला भाई। आज हम इतना दिन के बाद घरे जाते हैं ना हमारे मेहरारू बहुत खुश हुए। का है भैया? अरे यार इतना दिन के बाद घरे जाते हैं अब नई नई शादी भैया हमार हम ऊपर छोड़ के चला आए हैं परदेश खुश तो होबे करे। नहीं भाई क्या था भैया अपने से बहुत दिन बाद चलते घरे माए बाबू हमारे खुश हुई हैं। हाँ सही है आओ चलिए। चला ए रुक जा बाहर सब नौकरी लग गई है हमारे बड़े सर जी बुलाया ना तुरंत चला काम पे। का नौकरी लग गई है? हाँ हाँ नौकरी लग गई है। ठीक है सर जी चलता ही रुक जा बैग ये रख दे। हाँ ठीक है जल्दी रखा। अब चला जा। चलो दुलहिन ओ दुलहिन आओ बहरवा। हाँ काका लो चिट्ठी आएगा। अच्छा दा सैनिया कह देता ठीक है जा तू। हाँ ठीक है लेकिन ये जाता ही अरे हमार चंदा जब तोसी बर्दाश्त ना होता है तो हम आवत ही तू घबरा जी वैसे भी हिया कोनो काम लागत ना है हम जल्दी ही आवत ही। मंगर के अपने चौराहा पे 12 बजे वाली बसे से उतर जाब ठीक है तू हमारे इंतजार करो। मंगर मंगर तो आ जाए है चिट्ठिया लागत है देर हो के का पहुँचे में 11:30 बजत है जाता ही बहने चौराहा पे जैसे बस आए उतर ही वैसे इनका गले लगा ले। जल्दी 12 बजे जल्दी है उसे जैसे यही ना वैसे उनका गले लगा ले भाई। अरे एक बस आवत है किधर नहीं पर सुतरेंगे। अरे ये तो बस चली गई वो तो उतर भी ना करन लगा था दूसरे बस से आवत है का थोड़ी देर इंतजार के लेते हैं कि जान दूसरे बस से आवत हो। अरे ये तो चंदू के मेहरुआ है पुल बैठी है और ये चौराहा का करता है भाई साहब चाहे जवन करत होए का देखब हम काहे इसके हमारे पूरा गांव में ना सबसे खूबसूरत औरत यही है इस गाड़ी मोटर आ जाती है बीच में देखने में दिक्कत होता है एका देखा भाई साहब बहुत खूबसूरत औरत है।
एक घंटा बीत गया लेकिन और एक को बस आऊ भाई नहीं करस पता नहीं और आए कि नहीं आए जाए के और पूछी और बस आए कि नहीं आए। हे भैया एक आखिरी बस कई बजे जा था जवान भौजी अब एक घंटा पहले बस गए है ना आज वही आखिरी बस आई अब जवान बस आए ना कल आए। अच्छा अब एक को बस ना आए ना है भौजी अब एक को बस आए ना आए। अच्छा किस भौजी इतना परेशान हो का बताए भैया हमरे वो आवाइये रहन परदेश से लेकिन अभी तक अवे न एक हम बहुत दर्द में ही दुख में ही का बताई भैया वही रहन हाँ एकर मन से धुआ वही रहन आई ना आई हमें का पटावे की कोशिश करी का पता हमें पट गया। हे भौजी तू कहा कितना परेशान होती है भैया आज ना कल अवे के नहीं है लेकिन आज तो का चीज जरूरत पड़ी तू हमका कहू समझती है ना भौजी हम का कहा चाहते ही। अरे ये बतिये सही न कहा था है आज नहीं कल तो अवे करी तब तक एसी पड़ जाता है। हाँ हाँ समझत है। हाँ भौजी हमारे घरे क्यों ना आईने और तुहरे घरे क्यों ना आईने आज चला ना तू हमारे घरे रहा ठीक है चला। हाँ आवा चला चला हमारे घर ये है देख लिया। हाँ तुहार घर तो बहुत अच्छा है आज सुना इतारो घर है ठीक है अब आवा चले दुनू जने अंदर खावा जाए चुके अंदर चला आवा चंदा हे चंदा बहरे निकला देखा हम आइए चंदा अरे ये ताला वाला मारा बाटे चंदवा ताला वाला मार कहाँ चली गई रह जा जाई अपने काका से पूछी के जानो जान थूंगी काका हमारे चंदो की जानवर था कहाँ गई तो है चंदो का हम तो ठेका लेने का रे पीछे पीछे घूमत आई। अरे नाही काका हम सोचे तू घर ही रहा था हरदम देखे हो बा कहाँ गई कहाँ नाई तोर चंदो हमारे सेठ सुनिया है जो अपने चौराहा अपना फलक दुकानी लगावत है का हाँ तीन साल से तीन साल से तीन साल से हाँ ठीक है काका हाँ जा भाग नहीं से अरे ये तो चंदू आ गया अब का होए चंदा आओ चला घरे इनका का करी इन्हें उकली आ चला ठीक है आओ बिट्टी हे चंदा कहाँ जा गया तू अब हम जाते हैं अपने घरे हमरे और आ गए अच्छा एक बात हमरो लेकिन सुन ला तू अकेले या हो अकेले जा हमरे बिट्टी एक हमका दे दिया दा बिट्टी के ना पापा से ना करे हां बिट्टी ये चल दे घरे रुका हे सुना ये बिटिया हमारा है और मेहरारू हमारा है अब दोनों जने के लिए गया था घरे मेहरारू तो आ रहा है का माना लेकिन जो बिटिया है ना हमारा है हमका दे दिया। अरे जब हमार मेहरारू है बिटी वो हमारे रहे ना ऐसे कैसे बोलता है मेहरारू तो आ रहा है लेकिन बिटिया जो ना है हमारा है। अरे तो पंचायत फैसला करी केकर बिटिया है केकर ना है अब लिया जाते हैं हम घरे भियान पंचायत बटोरी थे। हाँ ठीक है बटोर ले तो जवन करोगे तवन कर लिया लेकिन बिटिया ना हमारा है। हाँ ठीक है तो कहा तही पंचायत फैसला करे आओ चलो हो मेहरारू ही रही हमें का मानव लेकिन जोन बिटीवा है ना ये हमारा है हमका मिल जाए तो ज्यादा सही रहना। है सुना ला पकड़ा बिट्टी के और बैग लाई जा अंदर रखा जाए पंचायत खातिर आदमी कही दे सबके ठीक है जा हाँ पकड़ा ये जवान हमारे भाई सीए आए ना बिना मकोला बनाए खाबो नहीं करत अगर मकोला बनाए तो पेट भर खाई लेता एका काज नहीं क्या हो गया है दो चार दिन से ये छोड़ देता कोई रोबे खा भी नहीं गया एका हम साफ कर लिया बहुत गंदा था साफ करें परे भाई सी जाए यही का हो भियान हम पंचायत बटोरत ही तू कर है क्या है हट साल ने शादी करा हमको पूछवे नहीं करा हमको पंचायत पूछे तोर पंचायत मसान के तू जैसे करे जा गोगा हम तोर पंचायत ना आओ जब भाग मेरे खींचे ठीक है काका जैसे सारे करे आना तू जाप होगा तब तुका पता लागे हम अपन कोर साफ कर ली। नमस्ते मुखिया काका। अरे बेटुआ चंदू तू नमस्ते 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 बहुत दिन बाद देखा है यार कहाँ रहा हाँ काका चला गए परदेश आज तीन साल बाद लौटो है। अच्छा अच्छा और भले आना हाँ भले ही काका लेकिन लेकिन कहो बेटुआ चंदू बहुत परेशान लगा था हमका बतावा। हाँ काका भियान हम पंचायत बटोरते ही ना वही पंचायत में बटोबे हमारा और सेठ का मैटर है। अच्छा वो जो सेठ है का हाँ चला ठीक है बेटो चंदू तू जा घर हम भियान टाइम पे पंचायत पे पहुंच जा भाई। हाँ ठीक है 12 बजे पहुंच जाए।
ठीक है ठीक है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मुखिया का कह रहे। नमस्ते नमस्ते। बैठ जा। कहो चंदू सेठ आई है कि नहीं? नहीं काका अभी तक तो ना आई है। अच्छा ना आई है। छोटे काम करा जा बला क्लॉथ हेड के। ठीक है। हाँ जल्दी से आया। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते नमस्ते। कहाँ रहा हो? अरे मुखिया जी दुकान पे थोड़ा लेट हुई है। अच्छा ठीक है। चंदू बताओ तो पंचायत कहाँ जो रहे? सुना मुखिया काका हम बोल रहे अपने किए लौकी। जब लौकी जामे लाग ना वही बगलिए गार दे खबास। हम सोचे उन्हीं पर चढ़त चढ़त चली जाए हमारे छते पे। छते पे तो गई है लेकिन छते पर से फैलत फैलत चली गई शेर के छते पे। जब शेर के छते पे चली गई है वो लौकी फुलाएगा ना एक लौकी फर गई है। तो ये शेर कहते हैं वो लौकी हमारा है। बताओ उस शेर का लौकी है कि हमारा है? अच्छा ठीक है तू चुप रहा। चंदा अब तू बताओ ये पंचायत कहाँ की बैठी है? जनते हम बहुत ईमानदार है। हम एक दिन दुकानी पर लौटे रहे हैं और रास्ता में हमका एक बैग मिले है। वो बैग लिया हम उठा के अपने घरे रख दी है। उम्मीद हम 1 रुपया रख दी है। बैग मालिक पता चला है वो हमसे बैग मांगाई। हम 1 रुपया सामने निकाल लिया गया। कहता है 1 रुपया हमारा है तहन ना हो। अब तुम बताओ मुखिया जी 1 रुपया ओकर है हमारा है? अच्छा तो एक मतलब ऐसा लड़के के बारे में बात करता है। इनका इसमें बेइज्जती ना हो इन खातिर क्यों लौकी और क्यों जीवन का हमका समझावा चाहता है। कहो भैया अरे तू सब का कहा था? सुना पांचे अरे भैया हम ही कहा चाहता ही चंदू अपने किए लौकी बोल जाए कि इनके छते फरकी। इनका एक आखर बुराई लेके रहा भैया वहाँ अपन लौकी बोला सारा सारा गलती नहीं कहा। हाँ हाँ पंचे भरे अगर चंदा सेठ ने जान मांगे रहे जान बदले जान ले कहा सेठ मक्खन मांगा था एक मतलब सेठ लालची है सारी गलती सेठ का है। सेठ ईमानदार ना तू एक नंबर के बेईमान इंसान है। पहली बात तो केहू गिरा हुआ सामान ना उठावे चाहिए। क्या बताओ मैं कुछ चीज हो सकता था फिर बम हो सकता और मान लो तुम बैग उठाया और चलाया घरे ठीक है उसमें डाल जाए 3 रुपये। अब जेकर बैग है वो मांगा ही आवाता है अगर तुम्हारा पैसा निकलवा नहीं कराना तो घरे में निकाल ले होता। अब भाई तुम तो काम निकल रहा हो तो कहा करे ना हमारा है एक मतलब कोई गलती तो आ रहा है फैसला हो गया बात है। कहो चल जाओ चला। और सुना पहली गलती रहा तो माफ कर दी थी तेरे बाद गलती कर तो माफ ना करा। ठीक है मुखिया जी। हाँ ठीक है चल उठ गया। ठीक है बाबू जा।